अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड फाइव, आई होप यू ऑल विल बी हेल्दी एंड फाइन एंड एंजॉयिंग योर विंटर वेकेशंस। मी राबिया अकरम, योर मैथ्स टीचर। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, यू हैव टू ओपन योर बुक्स, टेक योर लेड पेंसिल्स एंड ऑब्वियसली आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन टूवर्ड्स मी। दिस इज़ यूनिट नंबर 8, पेज नंबर 66 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आर टॉपिक इज़ परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, मीन्स के टोटल जो हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, ये टोटल जो वैल्यू बनती है वो 100 है। आउट ऑफ जो 100 में से होगा उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चे के मार्क्स के बारे में बात करते हैं, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में बात करते हैं, अगर बच्चे के अब तो फुल मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स हैं वो 450 हैं, तो आउट ऑफ बच्चे ने 450 जो हैं वो 350 लिए हैं या 400 लिए, 420 लिए हैं, तो वो उसके परसेंटेज की 90% परसेंटेज आएगी उसकी, या उसकी 75% है, वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग स्क्वेयर्स आर डिवाइडेड इन टू 100 इक्वल पार्ट्स। इन जो पार्ट्स हैं हमारे बॉक्सेज हैं, स्क्वेयर्स हैं, उनको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक्सप्रेस द कलर्ड पार्ट एज इन परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें जितने पार्ट्स हमारे कलर्ड हैं वो क्या कहलाएंगे, वो उसकी परसेंटेज कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 62 बॉक्सेज जो हैं वो कलर्ड हैं, तो 62 बॉक्सेज ही हमारी परसेंटेज कहलाएंगे, और यहाँ पे 2 बॉक्सेज हैं और यहाँ पे ये 2 उसकी परसेंटेज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 आउट ऑफ 100 टोटल है, मींस कि अगर हम किसी चीज़ के 100 पार्ट करते हैं उसमें से 28 पार्ट हमने साइड पे कर दिए हैं तो उसकी परसेंटेज क्या आएगी, 28% आएगी। 5 out of 100 5%, 99 out of 100 इज 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कलर द स्क्वेयर्स टू शो द गिवन परसेंटेज, कि हमने इसकी परसेंटेज शो करनी है। जैसे कि 78 राइट किया हुआ है इसके बिलो और यहाँ पे 13 राइट किया हुआ है, इट्स मीन कि 78 बॉक्सेस जो हैं वो हमने कलर करने हैं और यहाँ पर 13 बॉक्सेस जो है वो कलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, फहद गॉट 92 out of 100 मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट। एक्सप्रेस द मार्क्स एज परसेंटेज। ओके, 92% है उसकी ऑब्वियसली, और अगर हम उसको पढ़ेंगे उसकी रीडिंग में क्या होगा, 92% आएगा। ओके, नेक्स्ट पेज इज परसेंटेज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आपको पता है कि डेसिमल में क्या हम पॉइंट से शो करते हैं, परसेंटेज में वो परसेंटेज का साइन लगता है, स्पेसिफिक साइन, जैसे कि ये वाला साइन है। ठीक है, और फ्रैक्शन में हम आप न्यूमिरेटर कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर्स में भी क्लासेस में भी दिया है, इस क्लास में भी है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 15 divided by 100 है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे परसेंटेज में। 100 पार्ट्स हैं 100, उसमें से हमने 15 जो है वो कलर कर दिए हैं, बाकी हमारे पास रेस्ट जो हैं वो एम्प्टी हैं, तो हमारे पास क्या परसेंटेज आएगी, 15% आएगी। इसके क्विक चेक है पेज नंबर 70 पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज। 21 by 100, इट्स मीन के 21 out of 100 है, तो हमारे पास परसेंटेज क्या आएगी, 21 ही आएगी। अच्छा, 4 by 100 परसेंटेज है, तो इसमें से 4 ही आएगा। अच्छा, ओके, सेकेंड ये थर्ड क्वेश्चन है 5 by 10। अब इसमें यह है कि 5 by 10 हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए वो इज इक्वल टू 100 होना चाहिए, ये आप कंडीशन है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि परसेंट का मीन 100 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 100 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 100 बन जाए। ठीक है, 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ 100 आ गया। जब हम डिनोमिनेटर को किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर होता है उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 5 ज़ार 50 10 10 ज़ार 100, तो यहाँ पे क्या बन गया, 50% हो गया। 10 by 100 by 100, तो ऑब्वियसली ये 100% ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर डेसीमल में फ्रैक्शन दी गई है, डेसिमल में फ्रैक्शन दी गई है, डेसिमल में से हम अगर पॉइंट इसका अरेज करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और 0, तो ये इसका क्या आएगा, 77% आएगी। यहाँ 0.6 है, अब 0.6 का अगर हम पॉइंट अरेज करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचता है 10, और 10
जो है वो हम उसको परसेंट नहीं बोल सकते, परसेंटेज में हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 काउंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 जार 60, 10 10 जार 100, और 60% इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी, ये पार्ट इसका सी पार्ट है, 0.01 है उसका 1/100, और ये 1% आएगी इसका। सेम एज इट इज़ है, 0.46, इसका 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज नंबर 71। ओके, यहाँ पे टेबल है कि वन वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, बाकी परसेंटेज में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में, इन तीनों में आपने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन है 1/4। अब 1/4 को हमने कैसे करना है, हमारे पास 100 बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 25 वन्स इज़ 25, और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। अब 25 डिवाइडेड बाय 100, 25% में आ जाएगा, 25% में, और डेसिमल में 0.25 हो गया। अब नेक्स्ट वन जो है वो 0.5 दिया है, इट्स मीन 5/10। अब यहाँ पे भी 100 नहीं है, तो इसे भी हमने क्या करना है, 100 बनाना है, तो क्या आएगा, 50/100, इट्स मीन कि 50% यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट वन है 80%, 80 में से 8/100, और 0.8 जो है हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज 72 पेज है टेक्स्ट बुक का, 70 क्विक चेक है, 72 ये यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 72, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 180 एग्स 25% आर ब्रोकन, मीन्स के 180 टोटल एग्स हैं, इट्स मीन के ये 100% है, 180 एग्स जो हैं ये 100% है, उनमें से 25% जो है वो ब्रोकन हो गए, टूट गए। हाउ मेनी एग्स आर ब्रोकन, कितने एग्स, वो 25% की हमने अमाउंट शो करनी है कि 180 में से कितने एग्स जो हैं वो टूट चुके हैं। 25 जिसके साथ परसेंटेज है, 25 बाय 100। अब क्वेश्चन ये है कि 100 कहाँ से आया, 100 जो है वो परसेंटेज का है, 25 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 0 0 से क्रॉस हो गया, अब 25 और 18 को हमने मल्टीप्लाई किया, 450 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 बचता है, 10 में से 0 0 फिर क्रॉस हो गया, और 45 एग्स, 180 में से 45 एग्स जो है वो ब्रोक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5% ऑफ 120, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 से क्रॉस हो गया, 60 बाय 10 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो हम 10 6 जार 60 होता है, तो 6 हमारे पास आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट सेम है, 21% ऑफ 70, 21% का 100 आएगा एज ए डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 70, 0 0 से क्रॉस कर गया, 7 को, जो साइड वाली वैल्यू होल में आती है, साइड वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाले न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होती है, तो 7 जो है वो हमारा यहाँ पर 21 से ही मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 147 डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड किया, 14.7। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, 88% ऑफ 55, 88 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 55, यहाँ पे कटिंग नहीं होती, इसलिए हम 55 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4840 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट 50% ऑफ 50 है, 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 52 जार 100 होता है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो गई और उसको हमने डिवाइड किया 25। लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है 90% ऑफ 90, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90, दोनों जीरो जो हैं वो क्रॉस हो गए, और 81 9 9 जार 81। यहाँ पे इसको परसेंटेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एज परसेंटेज 8 आउट ऑफ 20, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 आउट ऑफ 20 मीन्स के टोटल जो है, जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं अपने मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो इन क्वेश्चन में क्या है, 20 एज ए हम टोटल मार्क्स के तौर पर काउंट कर रहे हैं, 8 एज ए न्यूमिरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आएगा हमारा 20, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में शो करना है, तो परसेंटेज का 100 आ जाएगा, और फर्दर इसकी हम कटिंग करेंगे, 25 जार 100 होता है, 5 8 जार 40%। 9 10th
अच्छा, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से इसका आइडिया है कि टेंथ जो है TH जो स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा डेसिमल बनता है, टेबल बनता है, उसमें हम यूज़ करते हैं पॉइंट के लिए, जो पॉइंट वाला डेसिमल टेबल बनता है। ठीक है, 9.9/10 पॉइंट ख़त्म किया, और 90/100, 40 out of 50, 40/50 मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100, इसके ये 0, 52s are 100 हो गया, और 2 8 40 के साथ मल्टीप्लाई किया 80% आ गया, 54 हंड्रेड। 0.54 इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसका पॉइंट अरेज करते हैं तो 100 ही आएगा, इट्स मीन 54। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 क्विक चेक है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हैं। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज 38,400, देर इज एन 18% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स फॉर अ वीक, व्हाट विल बी द डिस्काउंट प्राइसेस ऑफ द बाईसाइकिल। फर्स्टली वी फाइंड राइट इन स्टेप बाय स्टेप, ओरिजिनल प्राइस इज 38,400, डिस्काउंट क्या है 18%, 18/100 मल्टीप्लाई बाय 38,400। ठीक है, दोनों जीरो से क्रॉस हो गए, 384 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसेज इब्राहिम बॉट एन एयर कंडीशनर दैट कॉस्ट 85,700, ही पेड 700 सेल टैक्स ऑन इट। ठीक है, सेल टैक्स क्या होता है, जब भी हमें कोई चीज़ सेल करनी होती है थोड़ा सा हमें जो है वो टैक्स पड़ता है, ठीक है, जो हमें पे करना होता है उस चीज़ के ऊपर, ओरिजिनल प्राइस के अलावा ये छोटी सी अमाउंट होती है जो हमें पे करनी पड़ती है। तो कॉस्ट क्या है उसकी, 85,700 है, सेल टैक्स 7% है, हमें इसकी अमाउंट निकालनी है, 7% कितनी अमाउंट बनेगी, हमें ये इसकी अमाउंट निकालनी है, 7/100 परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 85,700, इसको हम कटिंग करेंगे, टोटल प्राइस हमारे पास जो हमारा सेल टैक्स आया है इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, यहाँ पे सोफिया ने फ्रूट्स ख़रीदे हैं इफ्तार पार्टी के लिए, ठीक है ना, तो उसने क्या किया है, एप्पल्स उसने ख़रीदे हैं, टोटल जो ग्राम फ्रूट उसने ख़रीदे हैं वो 5,500 ग्राम फ्रूट उसने बॉट की बाय किया है, ठीक है, उनमें से एप्पल्स कितने हैं 45% है, तो 45/100 परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई बाय 5,500, अब 0 0 से कटिंग हो गए, 55 को 45 से मल्टीप्लाई किया गया, तो बाकी जो 45%, तो ये जो हमारे पास 2,475 जो फ्रूट की अमाउंट निकली है ये तो है एप्पल्स। अब जो हमने फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के हमने हमारे पास दूसरे फ्रूट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कितने हैं, हमने सिंपली जो है वो 55 जो टोटल फ्रूट था उसमें से 2,475 जो है वो माइनस कर देने हैं, 3,025 जो है ग्राम है वो दूसरे फ्रूट हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 52,450, डिस्काउंट 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 5240, इसके साथ कट जाएगा, 0 0 के साथ कट गए और ये बचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी डिस्काउंट के बाद, मींस के डिस्काउंट वो चीज़ होती है जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो और उसके पास साथ बार्गेन करते हो कि मुझे ये चीज़ इतने में नहीं चाहिए जितने प्राइस में आपने बताई है मुझे, तो वो हमें क्या करता है, डिस्काउंट देता है कि ठीक है आप 50 रुपीज़ लेस कर लें या आप 100 रुपीज़ लेस कर लें, तो जो लेस करके हमें प्राइस बताई जाती है वो हमारा डिस्काउंट होता है, और ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमने 52,400 में ये अमाउंट माइनस की, तो उसको एक्चुअली लैपटॉप कितने का मिला, 47,205 रुपीज़ में उसको ये मिला। ये आपकी है टेक्स्ट बुक से ओवरऑल चैप्टर नंबर 8 है जो कवर अप हो गया, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक एंड ऑन योर नोटबुक्स। ओके, थैंक यू बेटा।